प्रीमियम मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आज लॉन्च के दिन भारत में बने आईफोन्स बेचेगी। सूत्रों की माने तो आज एप्पल लॉन्च डे के साथ ही मेड इन इंडिया फोन बेचेगी। इंडिया मेड आईफोन्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एप्पल तकरीबन 2025 तक 25% जो आईफोन्स हैं वो इंडिया से जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। हैरान हूँ, दिल को रोंगे, पीटू में जिगर को, शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेड आईफोन्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एप्पल तकरीबन 2025 तक 25% जो आईफोन्स हैं वो इंडिया से जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि वो डिवाइसेस जो इंडिया और चाइना में होंगी बन रही हैं वो साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में बेची जाएंगी। एप्पल, आपको पता है, अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। बेसिकली तो अमेरिका इंडिया को नवाज रहा है, इन अदर वर्ड्स नवाज ये रहा है कि यार आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट, इन अदर वर्ड्स, जो जिसे वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। सो ये जो क्वेश्चन है ना कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम चीन से आईफोन को आपके पास लेके आ सकते हैं, हम इतने हालात ख़राब कर देंगे चीन के कि हर चीज़ ही चीन से निकल जाएगी और हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका जो रुख है वो इंडिया की तरफ मोड़ देंगे। तो फिर इंडिया कहता है ठीक है, फिर आप हमसे जो कहेंगे हम कर लेंगे आपके साथ। अभी ये जो जितनी भी ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसका जो आईफोन जारी बात है जो कि आज जिसका इफ्तिताह मेरा ख्याल हो रहा है, और ये इंडियन मेड होंगे, ठीक है, बड़ी तादाद जो है, और ये पहली दफ़ा जैसे मैंने कहा कि ऐसे होने जा रहा है। और इंडिया से तकरीबन 2020 से एप्पल जो है वो काम कर रहा है इस हवाले से मैन्युफैक्चरिंग, और चाइना से प्रोडक्शन कम की है। और इस हवाले से देखा जाए कि एप्पल तकरीबन 7% जो अपने आईफोन है वो इंडिया में बना रहा है। 2025 तक ये 25% तक लेके जाना चाहता है। और ये बेसिकली ये गैप को किस तरह नैरो डाउन किया जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, ये डिपेंड करता है। जो फॉक्सकॉन है जो कि ऑपरेट कर रही है इस हवाले से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग में, जारी बात है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और ये आप देखें कि रिसेंटली जो एप्पल की, जिसे आप बोलते हैं ना कि जो मैकबुक प्रो सीरीज़ है या 16 इंच मैकबुक प्रो और मैक मिनी, वो चार किस्म डिफरेंट किस्म के मैकबुक्स हैं जिनको M2 चिप्स जिनके अंदर मौजूद हैं, वो भी आप देखेंगे कि उसके भी बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया में लेके आ रहे हैं। सो अमेरिका जब आपको पता है नवाजता है तो फिर वो बड़ी गेम करता है। रिसेंटली इसी साल आपको याद होगा अप्रैल के अंदर तकरीबन एक एप्पल का स्टोर खुला था इंडिया के अंदर, जिसको टिम कुक जो हैं, जो कि CEO हैं एप्पल के, वो आए थे और उन्होंने आके वहाँ पे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात भी की थी, ठीक है जी। अब अगर आप देखें कि एप्पल को, अगर आप देखें इसकी जो है वो देखें, तो ये इस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर ब्रांड जो कि चाइना से निकलेगा, ठीक है जी। और कहा जाता है कि अब कितने सालों से जो चाइना है वो एक स्टेबल जो है एप्पल प्रोडक्शन जगह थी। अब कहा जाता है कि जो 80% जो एप्पल के जो टॉप 188 सप्लायर्स हैं वो चाइना के अंदर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 80% से ज़्यादा जो एप्पल के टॉप 188 सप्लायर्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, नॉट ऑल ऑफ दैट बट उनकी एटलीस्ट वन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो चाइना में। अब आप इमेजिन करें कि एप्पल जो है वो चीन के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, और सप्लाई चेन ये कोविड ने सारी चीज़ों कितना ख़राब किया। और चाइना आपको पता, जैसे पहले तकरीबन 95% ऑफ द ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन कर रहा था जब से 2007 में इसके ऊपर वो किया उन्होंने। और कहा, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि चाइना और एप्पल की जो ग्रोथ है वो कठी है, ठीक है, और यही वो टाइम था जब चाइना जो है उनकी इकोनॉमी ऊपर उठ रही थी एंड ऑल दैट। सो अमेरिका ने और अमेरिकी कंपनियों ने चाइना को बढ़ने देने में बड़ा किरदार अदा किया। सो अभी सुनने में आ रहा है कि 2023 के शुरू में एप्पल ने अपने सप्लायर्स को कहा था कि वो अपनी 20% जो आईफोन एनुअल प्रोडक्शन है वो इंडिया से करेंगे, और जिसे वो कहते हैं ना कि आइंदा आने वाले दिनों में इस चीज़ को जेन में रखा जाए। अभी मेरे ख्याल है कि ये 10% से कम है, जैसे मैंने पहले बताया 7% है। लार्जली अमेरिका, जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया को फ़ायदा दे रहा है, सिंपल, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अमेरिका, जारी बात है, ये नहीं कह रहा कि अमेरिका एप्पल कोई अमेरिका की कंपनी, हुकूमत की कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, बट द क्वेश्चन इज़ के वो, जारी बात है, अमेरिकी कंपनी अपनी हुकूमत के साथ रबते में होती हैं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, और इस हवाले से भी जारी बात है वो रबते में है कि क्या होने जा रहा है।